हेलो स्टूडेंट्स, हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस किया। अब इस सेकंड लेक्चर में हम टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी था, उसमें जो एंटीजन था वो फ्री होता था, और जो एंटीबॉडीज होती थी वो क्या होती थी, IgE, वो मास सेल और बेसोफिल्स के सरफेस पे बाउंड होती थी। लेकिन जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसमें जो एंटीजन है ये सेल के सरफेस पे बाउंड होता है, जबकि एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती हैं, फ्री होती हैं। अच्छा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो पेर फर्दर जो है वो बर्स्ट हो जाते हैं या उनकी डेथ होती है, तो इस वजह से इसको साइटोटॉक्सिक भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो सेल सरफेस एंटीजन है उनके साथ एंटीबॉडीज जो है वो बाउंड होती हैं, और वो क्या बनाती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो फिर फर्दर ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिर क्या करता है, वो फिर फर्दर जो है वो उस सेल्स की क्या कर देते हैं, रप्चरिंग करते हैं या बर्स्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थ्री मेन मैकेनिज्म इसमें होती है कि एंटीबॉडी जो है पहले सेल के सरफेस रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाती हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट कर देती हैं, और फर्दर जो है फिर क्या होता है कि एंटीबॉडीज और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये फिर सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी कास करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है, फंक्शनल लॉस होता है, या डैमेज टू सेल आर टिश्यूज होता है। जिस तरह आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है ना, तो इसके सरफेस पे जो है वो एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एंटीजन जो है वो क्या है, मिसमैच्ड है। जिस तरह खुसन जो है, जो ब्लड डोनर्स होते हैं उसमें भी ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड ग्रुप ए है वो अगर हम ब्लड ग्रुप बी इंडिविजुअल को डोनेट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो RBCs के सरफेस पे एंटीजन होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरन होते हैं या मिसमैच्ड होते हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है कि एंटीबॉडीज आके इस सरफेस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाती हैं इस एंटीजन के साथ, और क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें C1 क्लासिकल प्रोटीन आके जो है सेल के सरफेस पे बाइंड हो जाता है, और फर्दर क्या कर देते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना के सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, इनमें जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसमें एक है हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो इसमें क्या होता है कि जो मदर होता है उसका जो है बेबी के साथ जो है वो ब्लड ग्रुप या फॉर एग्जांपल जो RH ब्लड ग्रुप है वो मैच नहीं करता, तो इसकी वजह से हेमोलाइटिक डिजीज जो न्यूबॉर्न है उसमें हेमोलाइटिक डिजीज काज हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मदर है वो RH नेगेटिव, यानी RH फैक्टर जो है जिसको हम रिसेस फैक्टर भी कहते हैं, तो इसको हम डी एंटीजन भी कहते हैं, ये भी RBCs के सरफेस पे होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है, मींस उनके RBCs के सरफेस पे RH एंटीजन मौजूद नहीं होता, या एंटीजन डी जो है वो मौजूद नहीं होता। अब उसका अगर बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, तो अब जैसे ही जो है बेबीज के RBCs या जो फीटस है उसके RBCs मदर में ट्रांसफर होते हैं, तो मदर जो है उनको क्या कर देते हैं, फॉरन उसके इम्यून सिस्टम जो है उसको फॉरन कंसीडर कर लेते हैं, और उनके अगेंस्ट जो है फिर क्या करते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें तो क्या होता है कि जो है इधर सेंसिटाइजेशन हो जाती है, यानी मेमोरी डेवलप हो जाती है इस एंटीजन के अगेंस्ट, यानी RH एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेमोरी डेवलप हो जाती है, इतना सीवियर रिस्पांस नहीं आता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर सेकंड टाइम या सेकंड प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें अगर दोबारा से RH पॉजिटिव फीटस जो है वो मौजूद होता है, तो उसमें क्या होता है कि मदर फिर जो है, मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फिर स्ट्रांग रिस्पांस देना स्टार्ट कर देता है,
और क्या करता है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो फिर बेबीज या फिटस के अगेंस्ट जो है आरबीसीज के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एंटीबॉडीज फिर क्या करती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती हैं और जो फीटस है फीटस की आरबीसीज को क्या कर देते हैं, इनकी ब्रेक डाउन करते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। तो ये जब मदर के पेट में बच्चा होता है तो उधर जो है उनकी आरबीसीज की क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फिटस है उसकी वो सिकनेस डिवेलप कर देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है वो डेंजरस होता है क्योंकि ये पोटेंशियली लेथल कंडीशन होता है, जिससे क्या होता है बेबी की जो है वो डेथ काज हो जाती है। जिस तरह आप लोग इसको देख सकते हैं कि मदर से जो है वो क्या होती हैं एंटीबॉडीज आके जो फीटस है उसकी जो है वो आरबीसीज की क्या कर देते हैं, लाइसिस कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है जो जब तक बेबी की बर्थ नहीं होती तो उस दौरान अगर इनकी आरबीसीज को रप्चर करते हैं मदर एंटीबॉडीज तो उसको हम एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। अब अगर उसकी बर्थ के बाद, बेबी के बर्थ के बाद जो हैं फर्दर जो मदर एंटीबॉडीज जो हैं उनके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न उसको कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है EBO इनकम्पेटिबिलिटी भी इस टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में होती है और ये भी एंटीबॉडीज मीडिएटेड होती है जिसमें साइटोटॉक्सिक या साइटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं, यानी सेल की लाइसिस शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है जिसका क्या है ब्लड ग्रुप बी है, अब उस ब्लड ग्रुप बी इंडिविजुअल को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए इंडिविजुअल, तो क्या होता है कि अब जो बी ब्लड ग्रुप बी इंडिविजुअल है उसमें क्या होता है कि एंटी ए एंटीबॉडीज उसके ब्लड में मौजूद होती हैं। तो जैसे ही हम ए ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं तो एंटी ए एंटीबॉडीज जो है क्या कर देते हैं, इन आरबीसीज के अगेंस्ट जो है एक्शन शो कर देती हैं और क्या कर देते हैं कि वो फिर एंटीबॉडीज आरबीसीज के सर्फेस पे क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। अब आरबीसीज के सरफेस को ये कवर कर देती हैं और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, इधर ये डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज क्या करते हैं, जिस तरह क्लंपिंग भी कर देते हैं, ये ब्लड जो आरबीसीज है उनकी क्लंपिंग हो जाती है जिससे क्या हो जाते हैं कि ब्लड वेसल्स जो है वो या जो कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, इधर क्लॉटिंग हो जाती है। या फिर क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या कर देते हैं, इस आरबीसीज को जो है वो आरबीसीज को क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं या डिग्रेड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्री हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में रिलीज होता है। अब फ्री हीमोग्लोबिन जो है ये तो या बाइलिरुबिन में कन्वर्ट होता है या फिर क्या होता है कि किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में आता है, जिसमें जो है वो हीमचूरिया कास करता है। ठीक है, या हीमोग्लोबिनोरिया हीमोग्लोबिन यूरिया कास करते हैं, यानी ब्लड में फ्री हीमोग्लोबिन आता है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ बाइलिरुबिन है वो ब्रेन के लिए भी जो है वो डैमेजिंग होता है, यानी ब्रेन को भी वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ब्रेन के लिए टॉक्सिक होता है। और इसके अलावा जो है इधर जो है फिर इंडिविजुअल में फीवर भी डेवलप हो जाता है, चिल, नौजिया, पेन, हुसन जो लोअर बैक है उधर जो है वो फिर पेन भी डेवलप होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर फर्दर जो एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिसफंक्शंस भी होते हैं, जिसमें खूसन जो मैस्थीनिया ग्रेविस है उसमें क्या होता है, मैस्थीनिया ग्रेविस में कि जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं वो जो एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स होती हैं मसल सेल्स पे, तो उधर जो हैं ये ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या होती हैं, अटैच हो जाती हैं एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर्स पे और क्या कर देते हैं, एसिटाइलकोलीन रिसेप्टर्स की बाइंडिंग को क्या कर देते हैं, एसिटाइलकोलीन की बाइंडिंग को इनहिबिट कर देते हैं, यानी उनके रिसेप्टर्स को फेल कर देते हैं। तो इनकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस होती है। अब क्वेश्चन जो आई है वो उधर ये जो मसल्स हैं आई के वो क्या होते हैं, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, तो ये क्या कर देते हैं,
एसिटाइल कोलीन को इनहिबिट कर देते हैं और मैसेज को पास नहीं होने देते। इसके अलावा फिर सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। इसमें भी क्या होता है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं उसको फिर कहते हैं एंटी टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज उनको कहते हैं, तो ये भी जो है इनहिबिट कर देते हैं और जो थायराइड ग्लैंड है उधर जो है उनके रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और क्या कर देते हैं जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनके रिलीज को स्टॉप कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होती है खुसन उसमें जो गोइटर डेवलप होता है, ठीक है, यानी स्वेलिंग हो जाती है, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है या गोइटर डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है उसमें ग्रेव्स डिजीज है। अच्छा, इधर जो मायस्थेनिया ग्रेविस था या जो हाशिमोटो थायराइडिटिस था इसमें क्या होता जो ऑटो एंटीबॉडीज थे वो इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते थे, यानी इनहिबिट कर देते एक्टिविटी को। अब जो ग्रेव्स डिजीज है इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं जिसको एंटी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज कहते हैं वो क्या होते हैं कि वो थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाते हैं और क्या कर देते हैं उनको इस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं कि वो और प्रोडक्शन करे थायराइड हार्मोन्स की या थायरोक्सिन्स की और प्रोडक्शन करे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब और प्रोडक्शन होती है तो उससे जो है एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जिसको एक्सोपथालमस भी कहते हैं, जिसमें जो आईबॉल्स हैं ये बाहर की तरफ क्या करते हैं एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी जो रिएक्शंस हैं ये इनकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ये जो एबनॉर्मेलिटीज हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज भी हैं, ये टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में आते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी को डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर।